नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो की वजह से मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं जो वीडियो है, तो चलिए बता देता हूँ। अर्णव गोस्वामी और रवीश कुमार की पत्रकारिता के विषय में। रवीश कुमार एकदम शांत दूरदर्शन टाइप पत्रकारिता, मुद्दों से एकदम से जो मुद्दे युवा के आज चल रहे हैं वो मुद्दे को उठाना और उन पर उन विषयों पर चर्चा करना, वो जनता के बीच लाना। वहीं अगर हम बात करें अर्णव जी की, अर्णव गोस्वामी की, तो अर्णव गोस्वामी का जो एक वो है बात करने का लहजा है, आप अक्सर उनके पूछता है भारत, उनका खुद का आता है रिपब्लिक पे, उनका चैनल ही है मान लो, तो उसमें क्या है कि अर्णव का बात करने का जो तरीका है वो अलग होता है। एकदम हाइपर होते हैं, सबको डांट देते हैं, चुप करा देते हैं और बोलने ही नहीं देते हैं। उनको लगता है ये चीज़ नहीं जानी चाहिए जनता के बीच में, तो बोलने ही नहीं देंगे, उनको चुप करा देंगे। ये अर्णव का तरीका है, वो उनका अपना तरीका है। अब अर्णव को मैं ख़राब नहीं कहूँगा, अर्णव गोयन का अवार्ड अर्णव को भी मिला है। अर्णव कोई जाने छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, टाइम्स नाउ उनका शो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो था, इंग्लिश शो टाइम्स नाउ पे जो उनका आता था, एक शायद फ्रेंकली स्पीकिंग या कुछ करके ऐसे करके नाम था उनका, एक इंग्लिश चैनल पे टाइम्स नाउ पे जो उनका आता था कार्यक्रम, वो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीआरपी वाला एक समय पे जो है उनका शो था। वहीं अगर आप बात करें आज हम पूछता भारत उनका शो आता है, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और वो चैनल एक नई बुलंदियों को पहुंचा है, एक बड़े बड़े चैनलों को छोड़कर। तो उनका अपना तरीका है बात करने का। रवीश का जो है एक कहीं ना कहीं चिल्लम चिल्ली से दूर रहते हैं और उनका मुद्दों पर ध्यान ज़्यादातर देते हैं कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, जनता को क्या ज़रूरत है। लेकिन जनता भी जो है उन्हीं को पसंद करती है जो तड़क भड़क ज़्यादा मिर्ची मसाला ज़्यादा होता है। ठीक है, शांति से कोई कुछ बता रहा है और सच्चाई बता रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आता उनको, तो शायद ये कारण है। ऐसा नहीं मैं बोला कि अर्णव सच नहीं बोलते, सच बोलते हैं। अब देखो न्यूज़ चैनल खोला है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई झूठ बोलेगा। लेकिन जो है दोनों का तरीका अलग है, एकदम लहजा अलग है बात करने का। और रवीश की कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि रवीश को बीजेपी सरकार कुछ भी करे उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकालनी है, जैसे कि जो सरकार होती है पक्ष होता है, पक्ष का हिस्सा जो यानी कि सरकार का हिस्सा जो कुछ भी करे रूलिंग पार्टी, विपक्ष जो होती है उनकी कुछ ना कुछ खामियां निकाल देगी। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, अगर कुछ भी जो है बीजेपी करती है तो रवीश जी जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकाल देते हैं, हो सकता है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हों। और वहीं जो है अर्णव जी का काम ये है कि पक्ष जो इस समय है रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात ही कर रहा हूँ, सीधे क्या छुपाना क्या उसमें, तो उनका जो है हरदम उनके गुणगान, मतलब क्या मतलब गुणगान का मतलब ये कि उनकी बातों को बताना कि क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है जनता को, वो सारी चीज़ें होती हैं। वहीं सेम जो है रवीश का उल्टा है कहानी कि रवीश जी क्या करते हैं कि उनकी जो भी होता है उसमें क्या कमियां हैं वो बताते हैं, ये उनकी अच्छाइयां बताते हैं। दोनों का बस इतना सा अंतर है, शायद हो सकता है वो पक्ष की और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हों। ऐसा कहा जाता है, मीडिया को गोदी भी कहा जाता है। अब अपनी अपनी राय है, हम तो ये नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हैं जो रिपब्लिक भारत से भी मिलती हैं, बहुत सारी एनडीटीवी से भी मिलती हैं, लेकिन हाँ मिलती तो हैं। अब चाहे सुशांत का ही मामला ले लो, अगर रिपब्लिक ने उठा तो इतना